महाकाल मंदिर चौराहा पर व्यापारी व रहवासी संघ का सड़क चौड़ीकरण व मंदिर क्षेत्र विस्तारीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में आने वाले तमाम मकान, दुकान, होटल को तोड़कर मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर शासन द्वारा योजना तैयार की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है और इसी क्रम में लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। गुरुवार दोपहर अचानक व्यापारी व रहवासी संघ हाथ में बैनर व काले झंडे लिए महाकाल मंदिर चौराहे पर एकत्रित हो गए और शासन की योजना का विरोध करने लगे। दरअसल प्रदर्शन के दौरान व्यापारी और रहवासी संघ के 10 सदस्यों ने काले झंडे दिखाते हुए चेतावनी दी और कहा कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना जो शासन लाया है उसका यहां के रहवासी, होटल संचालक व कर्मचारी विरोध करते हैं और हम चेतावनी देते हैं कि योजना खत्म नहीं हुई तो यहां के व्यापारी और रहवासी आने वाले दिनों में पुरजोर विरोध व आंदोलन करेंगे। चूंकि यहाँ के कुछ रहवासी और व्यापारी पहले ही कर्ज में डूबे हैं तो वह आत्मदाह का भी प्रयास कर सकते हैं। हमारे कलेक्टर, जनप्रतिनिधि व मुख्यमंत्री से निवेदन है कि यहाँ का काम रोके व कोई द्वेष पैदा ना होने दे। जनप्रतिनिधियों से बात की लेकिन सब एक दूसरे पर ढोलते हैं, इस विषय को संज्ञान में ले वरना इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना जो शासन लाया है इसके खिलाफ यहाँ के रहवासी, होटल व्यवसायी वो सारे कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और हम उनको चेतावनी दे रहे हैं इस माध्यम से, अगर आपने विस्तारीकरण की योजना तत्काल खत्म नहीं करी तो यहाँ के रहवासी और व्यापारी इस पे पुरजोर विरोध करके आंदोलन करेंगे। वो कुछ लोग इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, होटल व्यवसायी और रहवासी, कि वो अपना आत्मदाह का भी प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो यहाँ के विधायक नेतागण बने हुए हैं भाजपा के, ये लोग के लिए आप कम से कम सहानुभूति रख के यहाँ के लोग का काम करें और इनके खिलाफ कोई ऐसा द्वेष ना करें। आप जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई संबंध में? सारे जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, सारे लोग यहाँ के निष्क्रिय करके जनपति कोई काम नहीं करना चाहता, सब एक दूसरे को ऊपर ढोल रहे हैं। उनसे निवेदन कर रहे हैं इस माध्यम से कि आप यहाँ के लिए लोगों के लिए सोचे, नहीं को आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। भरत शंकर जोशी। जो विस्तारीकरण के अंदर जिस क्षेत्र को लिया जा रहा है वो पूरा व्यवसायिक क्षेत्र है महाकाल मंदिर के सामने का, और इसकी कोई आवश्यकता आज यहाँ पर नहीं है और इसी को लेकर के सारा विरोध चल रहा है। क्योंकि महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इतनी जगह पूरे क्षेत्र के अंदर महाकाल मंदिर परिसर और उसके आसपास में है कि जहाँ पर जितना चाहे शासन विकास करे, मंदिर समिति विकास करे, लेकिन अब जो है भेदभावपूर्ण तरीके से एक व्यवस्था जो सामने लेकर के आए हैं, जिसके अंदर पहले 500 मीटर, फिर 100 मीटर, 70 मीटर अलग अलग प्रकार की बातें करते हुए पूरी ज़मीन को एक बार करके यहाँ से खाली करने की बात आ रही है। आज हम जब इन क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ लगभग 500 परिवार इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, और इन परिवारों की जब बात करें तो कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ के आसपास बाजार मूल्य पर जा रही, कोई 8 करोड़ पर जा रही, कोई 5 करोड़ पर जा रही है। तो ऐसे इस विस्तारीकरण के अंदर 2 से 3 हजार करोड़ का तो सीधा सीधा संपत्ति का नुकसान यहाँ होने जा रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर शासन ये कहता है कि हम मुआवजा देंगे, तो मुआवजा क्या मुआवजा देगा शासन? क्या जहाँ पर 2 हजार 3 हजार करोड़ की संपत्ति जा रही है 3 हजार करोड़ का मुआवजा बांटेगा शासन? संभव नहीं है। और जब महाकाल मंदिर के पास ये रोजगार चल रहा है और आवश्यकता नहीं है हटाने की, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से किसी को क्यों हटाया जाए? तो यहाँ सारे लोग एकत्रित हैं और लगभग 5000 लोग इससे बेरोजगार होने जा रहे हैं और 500 परिवार बेघर होंगे। तो इस योजना का सभी लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं, शुरुआत अभी हुई है, अभी धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में पूरे में काले झंडे लगाए जाएंगे विरोध करने के लिए, और उसके आगे जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन और आत्मदाह तक भी सब जाने को तैयार है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऋण ग्रस्तता में इस प्रकार से हैं कि जब बैंकों से लोन 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का ले रखा है और ऐसे में यदि मुआवजा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बनेगा तो आदमी क्या करे।